और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर मॉनसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गई। सड़कें पानी में डूब गईं और गाड़ियां तैरने लगी। जल भराव में कोई अपनी बंद पड़ी मोटरसाइकिल को धक्का मारता दिखाई दिया। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गईं, सड़कों पर जैम लग गया। बिहार के नवादा की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से झरने से बेतहाशा पानी गिरने लगा। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वहां दीवार बनाने का काम रोकना पड़ा और झरने की तरफ जाने के रास्ते बंद करने पड़े। तेज बारिश के बाद मथुरा में जल जमाव की स्थिति बन गई और उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी से भरे अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गए। बताया गया कि बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। एम्बुलेंस में स्कूल बस फंसने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मॉनसून की एंट्री के साथ ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड शुरू हो गई है। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम के 28 जिले के करीब 2500 गाँव डूब चुके हैं। 11.5 लाख लोग प्रभावित है। ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां जंगल से निकलकर एक बाघ गांव पहुंच गया। उसने गांव में लोगों को भी घायल किया। बताया जा रहा है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है, जिसकी वजह से 17 पशुओं की मौत हो गई है। हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शहरों के अंदर पहुंच गए हैं। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया। रामवाड़ी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को देखिए। इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से इमारत का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात ये रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इमारत के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना के चलते फ्लड आने की चेतावनी दी गई है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 फीट नीचे धंस गया। वहीं करीब 45 करोड़ की लागत से बना ये पुल भी धंस रहा है। पुणे में पिकनिक स्पॉट पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, गहरे पानी में उतरने, सेल्फी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है।